सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले भाई धन्यवाद रघुनाथ जी जो इस पावन धरती पे आने का मौका मिला। ये जितना इलाके देख रहे हो इसमें 24/7 बिजली पानी सब व्यवस्था है जैसे आप शहर में रहते हो, और ये मात्र एक महीने के लिए बनाया गया है। और जब गंगा मैया बरसात में आएंगी तो पूरा ये जो एरिया है वो डूब जाता है, और हम लोग अभी ऊपर पहाड़ पे डूब नहीं जाता है ना भैया, डूबता है तो डूबने के बाद यहाँ पे कुछ खाली नहीं रहता है। यहाँ अबे गिर जाए आराम से, यहाँ के जितने भी खम्भे हैं सारे उतार लिए जाते हैं। सबसे अच्छा लगा जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा 3 दिन का करते हैं, वैसे यहाँ पे 1.5 महीना रघुनाथ जी को लाकर उनकी सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं प्रयागराज में। हट रे, चल फोटो खींचे। अरे सो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, आ गया तू भी फोटो में। यहाँ पे भाई सीढ़ी है, यहाँ से बैठ के देख, ये मेरे लिए यार बहुत ही बड़ी बात हो गई यार। अगर बात करो तो हमारे घर में पानी आने में कितने साल लग गए, और यहाँ पे और ये सबसे बड़ी बात मुझे लगी, यहाँ पे जितने भी सड़कें देख रहे हो अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये सड़कें जो है रेत की हैं, और रेत पर मोटे मोटे आयरन का वो लगाया गया है चादर जिसके ऊपर ये बना हुआ है। और उससे बड़ी बात यहाँ पे एक 7 वो है पुल है, और उस पुल को सिर्फ बरसात इसी टाइम के लिए बनाया जाता है। वो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं लोहे के उसके ऊपर, और इसके बाद ये बड़े वाले पुल छोटे वाले पुल को हटा लिया जाता है यहाँ से, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है देखने में। और ये हम लोग एक पर्वत आए हैं तो उसी पहाड़ पे जहाँ तक पानी चढ़ जाता है, बोल सकते हो गंगा जी का किनारा टाइप का, ये सीढ़ी चढ़कर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। बहुत खासियत है यार इस जगह की। तो आप लोग कहाँ से हो और ये वीडियो देख रहे हो, प्रयागराज आओ, और बहुत सबसे अच्छा मुझे लगा जो भगवान का कीर्तन किए, भगवान का दर्शन किए, उसके बाद भगवान का नाम का कीर्तन हुआ, उसके बाद जो आनंद आया, फिर हमने डांस भी किया सभी लोग ने, डांस नहीं नृत्य करेंगे भगवान के नाम पर, फिर कथा हुई, फिर हम लोग पहाड़ पर घूमने आ गए, फिर अब लोग जाएंगे प्रसाद पाएंगे, यहाँ पे सभी संतों को बुलाया जाता है। चलो आगे दर्शन करने। चलिए भैया अब हम लोग चलते हैं, और ये वीडियो भाई विदाउट एडिटिंग आएगी क्योंकि मैं ये किसी रखने नहीं, क्योंकि मैं अपने टाइम में कभी भी इसको खोल के देख सकता हूँ। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, समुद्र कूप चलते हैं समुद्र कूप की ओर। देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग समुद्र को पहुंच चुके हैं। हाँ, जय हनुमान जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय। जी मूर्त, ये झूसी है भाई, एसेंट साइट ऑफ झूसी, प्राचीन मंदिर है। सो आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ। कि हम वीडियो रोकना पड़े, आइए भैया। हाँ भाई आ गए हम लोग समुद्र कूप की ओर, वाह इसमें घुसोगे तो डायरेक्ट समुद्र, भैया समुद्र में चल जाएंगे क्या इसमें घुस के? हाँ तो इसमें समुद्र से पानी आता है। संक्षिप्त स्मारक बंद है भाई साहब, यार यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तन करता, कुरूप तो दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो 1,00,000 तक का जुर्माना। भाई साहब पूरा पढ़ना यार तुम लोग। स्लीपर खोल देते, चंद्रवंश के आदि पुरुष महाराज पुरु दुर्वासा दृष्टि, ये आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा ना। सीताराम बोलो समुद्र से, हाँ लाइट जलावा तो भैया बैलवा देखे छोड़ने के पागल। ओबे यार इतना बड़ा गड्ढा है, भैया लाइट जलावा ना। हाँ नहीं ये समुद्र कूप, समुद्र कूप
बाप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गहराई ज्यादा नहीं दिख रही है, थोड़ा दिख रहा है। इसमें जो भी गिरेगा वो डायरेक्ट समुद्र पाताल से निकलेगा। ये समुद्र कूप है। सीताराम, सीताराम है तो ये मस्ती थोड़ी कर रहे थे भाई। मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था यार दिन में आवे और गतब मैं दिन में आऊँगा, तुम लोग को दिखाऊंगा कितना प्राचीन और कितना गढ़ा है समुद्र कूप। जय सिया राम। चंद्रवंशी दुर्वासा दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी 100 वर्षों तक पत्नी के रूप में रही। महाराज पुरुषवा के वंश के 82वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। इस नगर का नाम उन्होंने प्रतिष्ठानपुर रखा। अपने शासन काल में उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, बार बार समुद्रों का आवाहन कर समुद्र कूप में ही पूजन किया। पुराणों में वर्णित किया गया है कि नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, समुद्र अस्तत्व चत्वारो निवसंती युधिष्ठिर। सियावर रामचंद्र की जय। तो इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, बहुत पुराना ये समुद्र कूप है और भगवान इसका आवाहन करते थे, यानी इसमें समुद्र से पानी आती है। और ये रात का वीडियो है, आता है पुरुष है बाबू। अच्छा आता है पुरुष है, ठीक है। खुश जय श्री सीताराम। अब हम लोग बंद करते हैं हमारे इनका धन्यवाद देंगे हिमांशु जी का, इन्होंने ज्ञान की बातें बताई, मिथिलेश जी का जिन्होंने ये जगह दिखाया, धन्यवाद मिथिलेश भैया। और मैं कैमरा के पीछे बिहाइंड द सीन आदित्य अयोध्या दास। तो एक बार सियावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।